दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुकुलपुर फोर लेन के पास अनियंत्रित ट्रक अपना आपा खोते हुए सीधे सड़क किनारे चाय पी रहे लोगों को कुचल दिया, जहां एक युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मृतक युवक की पहचान सुकुलपुर निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं ट्रक ड्राइवर अपना संयम खोते हुए सीधे ट्रक गड्ढे में गिराकर फरार हो गया। ट्रक दुर्घटना की खबर सुनते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सुन परिजनों में कोहराम मच गया, जहां परिजनों ने सड़क जाम कर आगजनी की और जमकर हंगामा किया। वहीं स्थानीय निवासी पारसनाथ ने कहा कि फोरलेन सड़क के किनारे चाय दुकान में लोग चाय पीकर आग ताप रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रक ने सभी को कुचल दिया, जहां एक की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुपुर गांव के नीचे एक रोड किनारे चार पांच आदमी खड़े थे, आग लहका हुआ था, वहां पर खड़ा होकर देख रहे थे। एक हथुआ तरफ से एक लोडेड ट्रक आया और उस पर क्या लोड था, कुछ लोहे का गार्ड कर रहा है तो लोडेड था। और अचानक है जो चारों पांचों का है जो रौंदते हुए नीचे ट्रक इसे गिर गई खाई में गुमटी समेत और उसमें एक व्यक्ति जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया और बाकी तीन चार पांच जो भी है जो अभी सस्पेंशन में है जो घायल तो है ही है, लेकिन अब दबे हुए हैं। क्या है जो गाड़ी आ रहा है वो फिर उठेगा तो फिर पता चलेगा जो और है या नहीं है, लेकिन अभी एक घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और कहाँ के रहने वाले थे मृतक? सब सुकुलपुर का ही, बाकी सब लोग घायल। हम क्या कर रहे हैं इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।